मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से कहा तो भाभी की प्यार भरी बातों को सुनकर के विभीषण से भी रुका नहीं गया और चल करके कहा अपने भाई रावण के पास में पहुंच गया और जाकर के कहने लगता है, जाकर के कहने लगता है कि तने आग लगा के फुलवाड़ी में फूल पात सब जला दिए, अरे धरती माँ के क्या रावण तने अंबर के खम हिला दिए, तू परत्रिया ने ठाके लाया इसमें शान नहीं से, बुरे कर्म से मानस का होता कल्याण नहीं से, कर्मों का फल ना देवे ऐसा भगवान नहीं से, तने पढ़े जरूरी चार वेद तुझे आत्मज्ञान नहीं से। साथियों जब विभीषण इस तरह की बात करने लगा तो रावण को क्रोध आ गया विभीषण के ऊपर और कैसे विभीषण को डांटने लगता है, सुनेंगे इस रागिनी के द्वारा कैसे बोला विभीषण। जी भैया आज मेरे पास में आया है तू, आज तूने कोई नमस्ते नहीं की मुझसे, जिस तरह का भाव पहले रहता था वो भी नहीं दिखाई दिया तुझमें। हाँ क्यों? क्योंकि आपके पास में यहां पर चल करके मैं किसी खास कारण से आया हूं। कारण तो मैं समझ रहा हूं, जिस दिन से सीता को लेकर के आया हूं ना उस दिन से पूरी लंका समझदार है और मैं मुंह रख नजर आ रहा हूं सबको, जबकि लंका मेरे ऊपर है, इस लंका का राजा मैं हूं और तुम आकर के मेरे पास में पहले सुन लू पहले तेरी बात क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आव भाव बदले दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? लेकिन लंका के अंदर तो हम भी रहते हैं। हाँ रहते हो और आप हमारे बड़े भाई हो। बिल्कुल। और जब एक बड़ा भाई कोई गलत काम करने लगे तो छोटे भाई का भी फर्ज होता है उसको समझाने का। अच्छा हाँ तो तू हमें समझाने के लिए आया है? जी। क्या समझाना? मैं इसलिए समझाने आया हूँ। क्या? कि आप जिस सीता को जहाँ से लेकर आए हो हाँ उसको वहीं पर छोड़ आइए, क्योंकि इस बात का बहुत बड़ा नतीजा आपको मिलने वाला है। अच्छा हाँ मुझे समझा रहा है? मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने बड़े भाई को उंगली उठा करके समझा रहा तू? मैं इसलिए समझा रहा हूँ अगर आप समझ जाएंगे तो आप फायदे में रह जाएंगे, और ना समझा तो? नहीं समझोगे तो मुंह की खाओगे। अच्छा हाँ विभीषण तेरी इतनी हिम्मत की तू अपने बड़े भाई से इस तरह की बात करे, तू लंकपति राजा रावण से इस तरह की बात करे, तूने मेरा क्रोध जगा दिया है विभीषण, होश में आ जा और आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ, सुन मेरी बात। अच्छा कहिए अपनी बात को। मेरे क्रोध कांत में है भर्या विभीषण, अच्छा मार उड़ा दूं खाल तेरी, मेरे सामने बोलन की पता कैसे पड़ी मजाल तेरी, हो कैसे पड़ी मजाल तेरी, क्रोध गांत में भर्या विभीषण मार उड़ा दूं खाल तेरी, मेरे सामने बोलन की पता कैसे पड़ी मजाल तेरी, हो कैसे पड़ी मजाल तेरी। इस घर में तू टोकन वाला हो गया, हो टोकन वाला हो गया, मैं जिस रास्ते को चलू रहा मेरा रोकन वाला हो गया, क्या गस्त मुनि की, क्या गस्त मुनि की ढाल समुंदर सोकन वाला हो गया, हो सोकन वाला हो गया, मैं बात बात में दखल सकल
करी बरदास बात अब और समाई रही नहीं हो और समाई रही नहीं मन चार वेद छे पढ़े शास्त्र और पढ़ाई रही नहीं उस घर सत्यानाश होए जहां छोट बनाई रही नहीं छोट बनाई रही नहीं मेरे राज में खाखा माल विभीषण राज में खाखा माल विभीषण जो काया होगी लाल तेरी मेरे सामने वो लड़की बता कैसे बड़ी मजाल तेरी कैसे बड़ी मजाल तेरी सीता लाया जिस दिन से मैं सीता लाया तुम्हारी भरा कसर में घर घर मंगल गाए जा और होरी खुशी नगर में हो होरी खुशी नगर में ओ भाई ना तू दुश्मन है अच्छा? मेरी बरसे खून नजर में तेरे रहन की अरे तेरे रहन की सांप कहूं अब जगह नहीं इस घर में हो जगह नहीं इस घर में दी मार कमर में लात भाग दी मार कमर में लात भाग यहां ना गड़ने की तार तेरी मेरे सामने वो लड़की बता कैसे बड़ी मजाल तेरी हो कैसे बड़ी मजाल तेरी कुछ पीस पे लगा दे हमें कर बकवास चला जा धरती की क्या बात चाहे पर्वत के लाश चला जा पर्वत के लाश चला जा जो जिनकी सीता नारी है चाहे उनके पास चला जा लड्डन सिंह राज बल पे लेके फरमाश चला जा लेके फरमाश चला जा ओ रावण को सर करवा दे रावण को सर करवा दे कहीं ना चलने की चाल तेरी मेरे सामने वो लड़की बता कैसे बड़ी मजाल तेरी हो कैसे बड़ी मजाल तेरी मेरे गोद गात में भरा विभीषण मार उड़ा दू खाल तेरी हो मेरे सामने वो लड़की बता कैसे बड़ी मजाल तेरी हो कैसे बड़ी मजाल तेरी